दुनिया में सबसे ज्यादा अपने तानाशाह की हरकतों से चर्चित रहने वाले नॉर्थ कोरिया से एक ऐसी खबर आ रही है जो ट्रंप की टेंशन खत्म करने वाली है। शायद इससे दक्षिण कोरिया के माथे पर भी आई शिकन हमेशा के लिए दूर हो सकती है। खबर यह है कि तानाशाह किम जोंग जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। वो फिलहाल कोमा में बताया जा रहा है। खबरें तो यहां तक मिल रही हैं कि किम जोंग मौत के मुंह में चला गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किम की जगह कौन लेगा। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया को लेडी तानाशाह मिलने वाली है और लेडी तानाशाह कोई और नहीं बल्कि किम की ही बहन है। दुनिया में फिर चर्चा में आया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया के किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है और अब एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग पर खबरों का बाजार गर्म है। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई उसे ब्रेन डेड बता रहा है तो कोई उसकी मौत का दावा कर रहा है। सबूत किसी के पास नहीं है लेकिन अफवाहें बेशुमार हैं। इसलिए अनुमान के आधार पर खबरों का अंबार लगा है उस शख्स के बारे में जिसकी सनक से दुनिया परेशान हो उठती है, जिसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देते हैं, जो अपनों के लिए भी दुश्मन की तरह ही बेरहम है, जिसने डिक्शनरी से मिटा डाला है माफी शब्द का वजूद। कहां से आई किम जोंग के कोमा वाली खबर? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर उसके दुश्मन नंबर वन साउथ कोरिया के एक ऑफिसर ने सनसनीखेज जानकारी दी है, जिसने ये दावा किया है कि किम जोंग उन कोमा में है और फिलहाल देश की बागडोर उनकी बहन किम यो जोंग संभाल रही है। ये दावा साउथ कोरिया के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर चांग सोंग मिन ने किया है। मिन देश के पूर्व राष्ट्रपति किम दे जोंग के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। चांग सोंग मिन का कहना कि किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाल रही है लेकिन उसे पूर्ण रूप से किम का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है। 9 साल तक सत्ता के बाद रोड संभालने के बाद किम जोंग अब मानसिक तनाव में है, इसलिए उनके ऊपर से दबाव कम करने के लिए कुछ और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि किम के सिर किसी भी काम की विफलता का ठप्पा ना लगे। साउथ कोरिया के अधिकारी मिन का कहना है कि किम ने अब तक बहन जोंग को पूरी तरह से सत्ता नहीं सौंपी है। फिलहाल उन्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है ताकि नेतृत्व का संकट ज्यादा समय तक ना चले और उन्हें सरकार चलाने की बारीकियों की ठीक से समझ हो जाए। हालांकि किम के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि वो अभी जिंदा है लेकिन उसके जिंदा होने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो ब्रेन डेड हो चुका है। अप्रैल महीने में किम जोंग की हार्ट सर्जरी हुई थी जो नाकाम हो गई और इस सर्जरी ने किम के दिमाग को भी नकारा बना दिया है। तब से किम की बहन यो जोंग ने ही नॉर्थ कोरिया के सत्ता की कमान अपने हाथों में ले रखी है। किम जोंग से भी खतरनाक है किम यो जोंग। 33 साल की किम यो जोंग के बारे में कुछ महीने पहले भी खबर आई थी कि वो सरकार में दूसरे नंबर पर हैं। किम आंख मूंद कर अपनी बहन पर भरोसा करता है। किम की मुहर पर वो देश के कई बड़े बड़े फैसले लेती है लेकिन किम ने कभी सार्वजनिक तौर पर जोंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया में किम के बीमार होने के बाद चल रही सियासी हलचलों पर साउथ कोरिया की पैनी नजर है। जैसे ही किम के कोमा में होने की खबर आई, साउथ कोरिया में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की मीटिंग हुई। देश की कई न्यूज एजेंसियों ने कहा है कि किम यो जोंग के सत्ता संभालने की खबरों से कोई हैरानी नहीं हुई। आने वाले वक्त में यही होना है। जोंग पार्टी की सेंट्रल कमेटी पहले ही संभाल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में किम की हार्ट सर्जरी हुई थी जिसके बाद से ही वो ज्यादा बीमार है। क्या अमेरिका का संकट टल गया है? बेशक किम की मौत की पुष्टि किसी ने नहीं की है लेकिन उसके बीमार होने की खबर से अमेरिका समेत उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश राहत की सांस ले रहे होंगे क्योंकि किम जोंग अक्सर अपने एशियाई पड़ोसियों को परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। वो सुपर पावर अमेरिका को भी धमकाने से बाज नहीं आते। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार किम को समझाने की कोशिश करते आए हैं। वो लगातार किम को परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के लिए राजी करने के मिशन में जुटे हैं। इस बाबत वो 3 बार किम से मुलाकात भी कर चुके हैं। अमेरिका सुपर पावर है और उसके पास ऐसे हथियार भी हैं जो उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि बिना किम वाले उत्तर कोरिया का अमेरिका के साथ क्या रिश्ता होगा? क्या किम की जगह लेने वाला उत्तर कोरिया अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार होगा? उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है, लिहाजा दुनिया की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ये विनाशकारी हथियार
किसी गैर जिम्मेदार शख्स के हाथ ना लग जाए। कई जानकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किम की मौत से वहां अराजकता आ सकती है और ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में किम के बारे में किसी भी खबर पर दुनिया के कई देशों की नजर रहती है, क्योंकि किम फिलहाल किस हालत में है ये कोई नहीं जानता। वैसे भी उत्तर कोरिया हमेशा दुनिया को चौंकाता रहा है। मुमकिन है कि किम एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए सामने आ जाएं।